हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेसन. माय नेम इज़ मिशेल और आज के इस लेसन में मैं आपके लिए कुछ बहुत खास लाई हूँ. आज मैं आपको सिखाऊंगी टाइम के बारे में बात करना, और सिर्फ टाइम के बारे में ही नहीं, मैं आपको स्पेशली आज सिखाऊंगी कि आप पास्ट यानी अतीत के बारे में कैसे बात करेंगे. तो पास्ट के बारे में बात करने के लिए सबसे फेमस वर्ड है येस्टरडे, राइट? तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स के साथ जिनसे हम सीखेंगे पास्ट के बारे में बात करना. कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड. तो सबसे पहला वर्ड हमने वही लिया है जो सबसे फेमस इंग्लिश वर्ड है पास्ट के बारे में बात करने के लिए, और वो है येस्टरडे. अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हिंदी स्पीकर्स को इसलिए होती है क्योंकि हम येस्टरडे को कहते हैं कल, और हम टुमारो को भी कहते हैं कल. तो इसलिए हम लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम आखिर किस कल की बात कर रहे हैं. तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो येस्टरडे की जगह टुमारो और टुमारो की जगह येस्टरडे बोलते हैं, क्योंकि दोनों को हम हिंदी में कल बोलते हैं. पर ये याद रखने के लिए कि येस्टरडे का मतलब क्या है, आपको याद रखना पड़ेगा कि कल का मतलब होता है यहाँ पर बीता हुआ कल, बीता हुआ कल. तो अगर मैं कहूँ कि कल उसने तुमसे बात करने के लिए कॉल किया था, तो यहाँ पर हम बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं था बोल रही हूँ जो कि पास्ट में ही यूज़ होता है. तो इसको इंग्लिश में मैं कहूँगी येस्टरडे ही कॉल्ड टू स्पीक टू यू. तो यहाँ पे हम बीते हुए कल की बात कर रहे हैं जिसको हम येस्टरडे बोलते हैं. ओके, द नेक्स्ट वन वी हैव इज़ लास्ट वीक. वैसे तो लास्ट का मतलब हिंदी में आखिरी होता है, पर टाइम के लिए जो हम फ्रेजेस यूज़ करते हैं उसमें लास्ट का मतलब है यहाँ पे पिछले. ओके, पिछले, और वीक होता है हफ्ता. तो पिछले हफ्ते को हम इंग्लिश में कहते हैं लास्ट वीक. पिछले हफ्ते को हम बोलेंगे लास्ट वीक. ओके, तो अगर आपको इससे कोई सेंटेंस बनाना है, आप कह सकते हैं पिछले हफ्ते मैंने एक नई मूवी देखी. लास्ट वीक आई सॉ अ न्यू मूवी. ओके, याद रखिएगा जब भी आप इन टाइम फ्रेजेस को यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ आप वर्ब को हमेशा पास्ट में ही लेके जाइएगा, क्योंकि ये सारी टाइम फ्रेजेस पास्ट के बारे में है. आप नहीं कह सकते लास्ट वीक आई सी अ न्यू फिल्म, नो, क्योंकि आप पास्ट की बात कर रहे हैं, आप कहेंगे आई सॉ अ न्यू फिल्म. ओके, द नेक्स्ट वन इज एन आवर अगो. ओके, अगो का मतलब होता है इंग्लिश में पहले, और एन आवर का मतलब तो आपको पता ही होगा, एक घंटा पहले. एक घंटा पहले को हम कहेंगे एन आवर अगो. ठीक है, इसके लिए आप एक सेंटेंस बनाएंगे तो आप कह सकते हैं मैंने एक घंटे पहले ही अपना काम ख़त्म किया. आई फिनिश्ड माई वर्क जस्ट वन आवर अगो, या फिर जस्ट एन आवर अगो. ओके, ओके, नाउ विद दिस हम आगे बढ़ते हैं. पर याद रखिएगा, अगर आप एन आवर अगो को और तरीके से यूज़ करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं अ डे अगो, मतलब एक दिन पहले भी. तो इसके साथ आप अ डे अगो भी कह सकते हैं, मतलब एक दिन पहले. ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज रिसेंटली. तो हिंदी में हम कई बारी जब बात कर रहे हैं हम कहते हैं कि मैंने हाल ही में महेश को एक नई किताब दी पढ़ने के लिए. ओके, तो हाल ही को हम इंग्लिश में कहते हैं रिसेंटली. ये इंग्लिश वर्ड से आता है रिसेंट, रिसेंट से बनता है रिसेंटली, हाल ही. आप कह सकते हैं मैंने हाल ही में महेश को एक नई किताब पढ़ने के लिए दी है. रिसेंटली आई गेव महेश अ न्यू बुक टू रीड. या फिर आप कह सकते हैं मैंने हाल ही में एक नया फ़ोन ख़रीदा है. आई बॉट अ न्यू फ़ोन रिसेंटली. जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि अभी तक मैंने जितनी भी फ्रेजेज़ यूज़ की हैं ये सारी
या तो सेंटेंस की शुरुआत में आती हैं या सेंटेंस के आखिर में आती हैं, जैसे कि येस्टरडे आई वेंट टू स्कूल या फिर आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे, रिसेंटली आई गॉट अ न्यू फ़ोन, आई गॉट अ न्यू फ़ोन रिसेंटली। तो ये सारी टाइम फ्रेजेस जो आज आप सीख रहे हैं या तो ये सेंटेंस की शुरुआत में लगाएंगे या सेंटेंस के अंत में। द नेक्स्ट वन इज़ अ लिटिल वाइल अगो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले का मतलब होता है अगो और अ लिटिल वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर। थोड़ी देर पहले को हम कहेंगे अ लिटिल वाइल अगो। तो अगर कोई आपसे पूछे क्या तुमने अपना लंच कर लिया, डिड यू हैव योर लंच, आप कहेंगे हाँ अभी थोड़ी देर पहले ही किया है। यस, अ लिटिल वाइल अगो मतलब थोड़ी देर पहले। ऑल राइट, अ लिटिल वाइल अगो की जगह आप और भी चीज़ें बोल सकते हैं, अ फ्यू वीक्स अगो, अ फ्यू मंथ्स अगो। ओके, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम का मतलब होता है लंबा समय, लंबे समय से। अगर कोई व्यक्ति आपका बहुत लंबे समय से फ्रेंड है तो आप कह सकते हैं वह मेरा बहुत लंबे समय से दोस्त है, ही इज़ माई लॉन्ग टाइम फ्रेंड। लॉन्ग टाइम फ्रेंड का मतलब बहुत लंबे समय से वह मेरा दोस्त है, बहुत लंबे अरसे से। ओके, तो मतलब आप उन्हें अपने अतीत में कभी शायद स्कूल में मिले होंगे या कॉलेज में मिले होंगे और अभी तक वह आपके दोस्त हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ इन द पास्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि पास्ट को हिंदी में अतीत बोलते हैं, तो इन द पास्ट का मतलब होता है अतीत में। तो अगर आप अतीत में खेल में बहुत अच्छे थे तो आप कह सकते हैं I used to be very good at sports in the past. अतीत में मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था। ओके, आप इसको कंपैरिजन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं अतीत में मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था पर अब मेरी टांग में दर्द रहता है। इन द पास्ट आई यूज़ टू बी वेरी गुड इन स्पोर्ट्स बट नाउ आई हैव पेन इन माई लेग। नाउ फ्रेज को आप तब यूज़ करेंगे जब आप प्रेजेंट की बात करें, और ये मैं आपको किसी और लेसन में सिखाऊंगी कि हम प्रेजेंट की फ्रेजेस कैसे यूज़ करेंगे, पर इस लेसन में हम पास्ट की फ्रेजेस सीख रहे हैं। द नेक्स्ट फ्रेज इज दिस मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग को हम बोलेंगे आज सुबह। अब आप सोच रहे होंगे इसमें तो हम आज की बात कर रहे हैं तो क्या ये प्रेजेंट के बारे में नहीं है? वेल, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सुबह की बात शाम को कर रहे हैं। तो जैसे आप शाम को घर आए हैं, आपकी वाइफ आपसे पूछ रही है कि आज सुबह तुमने क्या खाया था ब्रेकफास्ट में, आप कहेंगे आज सुबह तो मैंने इडली सांभर खाया था, तो आप कहेंगे दिस मॉर्निंग आई हैड इडली सांभर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो दिस मॉर्निंग की जगह बोलते हैं टुडे मॉर्निंग। वेल, वो बिल्कुल गलत है। आप टुडे मॉर्निंग नहीं बोल सकते, ठीक है? आपको बोलना होगा दिस मॉर्निंग, क्योंकि टुडे मॉर्निंग गलत है। ओके, द नेक्स्ट वन इज द प्रीवियस। प्रीवियस का मतलब होता है पिछला। जैसे आप कह सकते हैं द प्रीवियस वीक। तो अगर कोई आपसे सवाल पूछेगा कि तुम पिछले हफ्ते कहाँ थे, तो वो सवाल होगा इंग्लिश में वेयर वर यू द प्रीवियस वीक। तो आप जवाब में कहेंगे द प्रीवियस वीक आई वॉज इन गोवा। पिछले हफ्ते मैं गोवा में था। ऑल राइट, इस तरीके से आप अपने पिछले हफ्ते की बात करेंगे। या तो आप द प्रीवियस वीक कह सकते हैं या फिर द लास्ट वीक कह सकते हैं। ऑल राइट, और लास्ट वीक की तरह आप लास्ट नाइट भी बोल सकते हैं या प्रीवियस नाइट भी बोल सकते हैं, मतलब कल रात जो बीत गई है। द नेक्स्ट वन इज़ ड्यूरिंग द डे। ड्यूरिंग द डे को हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी समय की अवधि की बात कर रहे हैं, मतलब एक ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, समय की अवधि। तो जैसे मैं कहूँ तुम दिन में आज क्या कर रहे थे, तो आप जवाब में कह सकते हैं आज दिन के समय मैंने हॉकी खेला, आई प्लेड हॉकी ड्यूरिंग द डे। ओके, या फिर आप कह सकते हैं मैंने आज दिन के समय काम किया, आई डिड माई वर्क ड्यूरिंग द डे। तो इसमें हम एक टाइम पीरियड यानी समय की अवधि की बात कर रहे हैं, ठीक है?
द नेक्स्ट वन इज फॉर 6 months. अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम जब भी कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड बता रहे होते हैं तो उसके साथ हम हमेशा फॉर लगाते हैं. तो जैसे कि आप कहना चाहते हैं कि आप कैनेडा रहे हैं 6 साल के लिए, तो आप कहेंगे आई लिव्ड इन कैनेडा फॉर 6 years, या फिर आई लिव्ड इन यूके फॉर 6 months. यहाँ पर हम एक टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, और टाइम पीरियड जब हम एक लंबे टाइम पीरियड की बात करते हैं तो हम फॉर लगा के टाइम बताते हैं, पर जब हम एक छोटे टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं जैसे दिन का समय तो हम ड्यूरिंग बोलते हैं. ओके, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आज का ये लेसन मेरे साथ देखने के लिए. आज आपने सीखा है कि हम डिफरेंट टाइम की फ्रेजेस को कैसे यूज़ करेंगे पास्ट के बारे में बताने के लिए. आई होप आप इन फ्रेजेस को यूज़ करके अब बिल्कुल अच्छे से अपने पास्ट के बारे में बता पाएंगे अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को और अपने ऑफिस में. सो थैंक यू सो मच. आई विल सी यू वेरी सून विद अनदर लेसन अबाउट टाइम फ्रेजेस. सी यू. बाय बाय.